नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हरी मिर्च को लेकर है। मिर्ची तो सभी के घर में आता है, क्योंकि बिना मिर्ची के ना हम कोई सब्जी बना सकते हैं और ना ही दाल। तो इस टाइम का जो मिर्ची होता है ना, बड़ा अजीब सा मतलब आता है, क्योंकि कुछ मिर्ची ये देखिए सड़े गले से रहते हैं और बहुत सी मिर्ची इसमें से ख़राब निकल जाती है और एक अजीब सी स्मेल आती है, तो बहुत ही अजीब सा लगता है हमें बनाने में। तो आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। तो अगर आप भी अपने घर में हरी मिर्ची ले आते हो और आपको अजीब सा स्मेल आता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें पाउडर डालना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा आप इसमें पाउडर डाल दीजिए। और इससे क्या होगा ना, आपके जो मिर्ची का स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, इसमें से आपको डाल दीजिएगा, उसके बाद जितनी भी मिर्ची ख़राब है यानी कि जो भी सड़ी गली सी मिर्ची होती है उसको आप निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद आप पाउडर को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छे से धोइए। आप इतना मतलब हल्के हाथों से आप इसको धोइए, ताकि इसका जो कचड़ा है, मतलब जो भी इसकी गंदगी है, वो बाहर निकल जाए और मिर्ची अच्छे से क्लीन हो जाए। यहाँ पे इस तरीके से आपको धोना है, ये देखिए बहुत अच्छे से। और धोने के बाद आप इसको अच्छे से निकाल के बाहर सुखा भी सकते हो, अगर चाहे तो न्यूज़पेपर पे रख के सुखा सकते हो, और कहीं पर भी आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख सकते हो। वैसे आप जिसमें टोकरी में रख देंगे ना, तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निकालना है, धोना है। देखिए, आपको थोड़ा सा पाउडर डालने के बाद आपको धो देना, और उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी प्लेट में पहले निकाल लीजिए। तो अभी मैं मिर्ची को निकाल देती हूँ। अभी इसके बाद देखिएगा आप कितना ज़्यादा इसमें गंदा निकलेगा, आप खुद ही अपनी आँखों से देख लीजिए और एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्योंकि हाँ, ये वीडियो जो है ना, ये हर गृहिणी के लिए है, हर महिला के लिए ये वीडियो है, हर हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि जो भी घर में महिलाएँ होती हैं, जो किचन में जो काम करती हैं, जो घर की हाउस वाइफ होती हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है ये। क्योंकि हम सब्ज़ियाँ बाज़ार से, इस टाइम आप लोगों को पता है कितनी महंगी हो गई है, कोई भी सब्ज़ी लो बहुत महंगी है, तो उसे आपको संभाल के मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसे, जितना अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो पूरा मतलब जितना दो चार खराब रहेंगे तो उसमें और सारा ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी जो डंडी है इसको भी आप तोड़ के रख सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ के रखोगे ना, तो इससे बहुत ही सही रहेगा। इससे बहुत मतलब क्या है, तो क्योंकि ये जो मिर्ची की जो डंडियां होती है ना, इसमें भी सड़न सा रहता है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहता है, कोई कोई सा साफ़ रहता है, बाकी कोई सड़ा सड़ा रहता है। तो इसलिए आपको मिर्ची की जो ये भी डंठल है इसको निकाल के तोड़ के इस तरीके से फेंक देना है, क्योंकि बिना मतलब इसको देखिए कितना बेकार है। अगर आप इसको साफ़ करके रखोगे मिर्ची को, तो जब चाहोगे तब आप आराम से बस निकाल के आपको बनाना रहेगा, आपको धोने का झंझट नहीं रहेगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये टेंशन। तो इसलिए आपको इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को साफ़ सुथरा करके रखेंगे, तो बस आपको बस अपने फ्रिज में रख दीजिए, आप फटाफट से बस खाली जब भी आपको बनाना रहेगा बस आपको निकालना है और उसके बाद बनाना। ये देखिए, इस तरीके से आप साफ़ करके रखेंगे तो बहुत ही आसान, आप ही के लिए ये काम जो है आसान रहेगा। जो आप कहते हैं ना, एक बार आप कोई भी काम कर लो फिर कुछ दिन की आपको छुट्टी हो जाएगी, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका कुछ दिन तो मतलब जो भी दो चार दिन चलने वाली बात रहेगी, तो दो चार दिन तक आपको ये सब झंझट नहीं, बस आपको बस खाली निकालना होगा और बना लेना होगा। आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमें धोना है, क्योंकि इसको साफ़ सुथरी जगह रखोगे किसी चीज़ में पैक करके, तो आपको धोने की झंझट नहीं रहेगी, प्लस आपका मिर्ची जो है ना वो सड़ेगी नहीं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस तरीके से मिर्ची को साफ़ करके ज़रूर से रखना। तो आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आप अगर हाउस वाइफ हैं, घर में सारा काम करती हैं, तो ये तरीका सबके लिए है और सबके लिए काम आएगा। तो आई होप कि सबको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है नींबू। तो नींबू जो हमारे घर में रहता है सूख जाता है, ख़राब हो जाता है और हम उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर इस टाइम पर आपको पीना पसंद नहीं है, तो ये देखिए इस टाइम पर जो भी नींबू सूख जाता है उसको आप क्या करोगे, आपको काटने के बाद कुछ भी सिंपल सा बस खाली कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ हाथों में लगाना है। यहाँ पे मैं तो बता रही हूँ आपको, मतलब उस जगह लगाइए जैसे कि गर्दन पे अगर कालापन है, या फिर अगर मतलब आपको लगता है कि जहाँ आपके मतलब शरीर में कहीं पर भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कालापन है, तो वहाँ पे उसको हटाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही काम कर सकता है नींबू, जो है बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। अगर कहीं पर भी कचरा है, मतलब गंदगी आपको लग रहा है, अगर उसको आप साफ़ करोगे ना बहुत अच्छे से, जैसे घुटने पर हो गया और गले पर हो गया,
गया हो जाता है ना, तो हल्का हल्का सा, तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे ना ये बहुत 100% आपको देगा। लेकिन एक दिन में नहीं, आपको 2-4 दिन लगातार लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। तो इस तरीके से आप ज़रूर से ट्राई कीजिए अगर आपको लगता है तो, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपके बच्चों को भी अगर मतलब अगर है ऐसा तो आप लगा सकते हो, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, देख सकते हैं कितना साफ़ हो जाता है इसको लगाने से, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिया है चाकू, तो चाकू अभी देख सकते हैं कितना गंदा दिख रहा है आपको। अगर वैसे तो मतलब कि आप धो सकते हैं, लेकिन अगर आपके चाकू में थोड़ी सी धार अगर कम लगती है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जूना, तो जूने पे आपको अच्छे से रगड़ना है इस तरीके से, और बहुत अच्छे से साफ़ होता है अगर आप इस तरीके से रगड़ोगे। ये देख सकते हो इसकी धार जो है कितनी अच्छी से हो गई है और कितने अच्छे से चमकने लगी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो चाकू है वो अच्छे से साफ़ कर सकते हो और उसका जो धार है वो भी वापस आ सकता है। फिर अगर आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह काटोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस तरीके से आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पर आता है आलू, तो आलू अगर आपको उबालना है तो आप ये तरीका आजमाइए। यहाँ पे पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद आप इसमें एक चम्मच नमक डाल दीजिए, इससे आपका आलू जो है मीठा भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आपका आलू उबल भी जाएगा, आपको खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से मतलब ये तरीका जो भी जो है ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और